नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस वक्त की 5 अहम खबरें। पहली खबर क्रूड को लेकर है, कच्चे तेल में तेजी है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 3100 रुपए के ऊपर है, करीब करीब 2% की मजबूती यहां पर दिख रही है। और WTI क्रूड का भाव 41 के ऊपर, ब्रेंड का भाव 43 के करीब ट्रेड कर रहा है। ओपेक नॉन ओपेक रिकॉर्ड कटौती अगस्त तक बढ़ा सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा बुलियन मार्केट को देखें तो सोने चांदी की कीमतों में दबाव है और MCX पर सोने का भाव 48,000, चांदी का भाव 48,200 है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1,755 के करीब ट्रेड कर रहा है। SPDR गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग 1160 टन के करीब है। SPDR गोल्ड की होल्डिंग अप्रैल 2013 के बाद सबसे ज्यादा है। ये इस बात के संकेत हैं कि सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड किस तरह से बढ़ रही है। मेटल की बात करें तो सभी मेटल में कमजोरी है। MCX पर जिंक लेड करीब 1% नीचे है, जिंक 162, लेड 142 के करीब है। एल्युमिनियम में भी 0.5% की कमजोरी है। कॉपर निकल में भी हल्की बिकवाली है। ग्लोबल इकोनॉमी में कमजोर संकेत से कीमतों पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कॉटन केक की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार दूसरे दिन कमजोरी है। कॉटन केक का वायदा 2100 रुपये के करीब है, जुलाई वायदा करीब 2% टूटा है। पशु चारे के लिए डिमांड कम रहने से कीमतों पर दबाव है, फिलहाल ग्रीन फॉडर आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा ऑयल सीड की बात करें तो मस्टर्ड में करीब 1.5% की नरमी है, 4650 के करीब है भाव। सोया ऑयल में 1% की नरमी है, सोयाबीन 3800 के करीब है। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आई है जिससे कीमतों पर दबाव है। तो ये 5 महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की कि आपके लिए कहां पर ट्रेड करने का मौका बनेगा। तो पहले हम बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की। और क्रूड में अगर हम देखें तो यहां पर क्या आपको करना चाहिए ताज़ा हालात को देखते हुए, ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं SMC कॉम्ट्रेड की। वंदना जी, क्रूड में जो खबर आई है कि अगस्त तक ओपेक और नॉन ओपेक की उत्पादन कटौती कंटिन्यू रह सकती है, क्या अभी इस खबर के दम पर बाई करना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, जिस तरीके से टेक्निकल्स पे यहाँ पे है और जो रिग काउंट है वो रिकॉर्ड लो पे यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो बाइंग है कंटिन्यू हो सकती है यहाँ पे। और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो यहाँ पे WTI $40 से ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और स्टेबल है यहाँ पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाई करना चाहिए, 3100 के लेवल पे बाई करना चाहिए, 3250 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉपलस यहाँ पे लगाना होगा 3030 रुपये का। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि क्रूड में बाइंग का मौका है, बाई करके चलें। गोल्ड में भी आपको लगता है कि आज के लिए बाई करना ठीक रहेगा इंट्राडे के लिए? जी मृत्युंजय जी, क्योंकि देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज भी है, नेगेटिव भी है, और जो एक कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है वो यहाँ पे एड ऑन होता हुआ चला जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली कॉमिक्स में एक बार $1800 का जो एक मार्क है उसको यहाँ पे टच कर सकता है गोल्ड। और मेरे ख्याल से यहाँ पे MCX में भी मुझे लग रहा है कि बाइंग कंटिन्यू यहाँ पे रह सकती है। 48,000 के लेवल पे बाई करना चाहिए, बहुत बड़ा टारगेट ना लेके 48,250 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉपलस यहाँ पे बनाना होगा 47,875 रुपए का। ठीक है, ओके। निकल में, मेटल में अगर हम निकल की बात करें तो क्या यहाँ पर जो ताजा भाव है मार्केट में, क्या ये भाव आपको शॉर्ट के लिहाज से ठीक दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से फैक्टर्स अभी हैं यहाँ पे थोड़ा सा वीकर साइड मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इशारा इंडिकेशंस जो है वो दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो एग्रेसिव बाइंग होगी थोड़ा करेक्शन पे यहाँ पे आ सकती है बाइंग। तो फिलहाल मुझे जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी देना चाहूंगी कि 959 के लेवल पे एक बार सेलिंग करें। मुझे 939 तक का एक लेवल जो है डाउन साइड में वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आ सकता है। 969 तक की स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए और ये 2 से 3 दिन में मुझे लग रहा है कि ये टारगेट जो है वो आ सकता है। ठीक है, सोया रिफाइंड में वंदना जी अभी किस तरह का ट्रेड आप देख रही हैं? जिस तरीके से मृत्युंजय जी यहाँ नेफेड ने हायर लेवल पे यहाँ पे स्टॉक्स को रिलीज करना शुरू किया, उसका प्रेशर जो है हम लगातार यहाँ पे बनते हुए देख रहे हैं। और मस्टर्ड वगैरह को तो मुझे लग रहा है कि सोया रिफाइंड में भी यहाँ पे जो प्रेशर है वो यहाँ पे बन सकता है। और मुझे लग रहा है कि नीचे तरफ 823 के जो प्राइसेस हैं
वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर हम सेल करें तो 823-824 को टारगेट करके चलना चाहिए, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लगाना होगा। यहाँ पे 833 या 834 तक का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे मॉडिफाई करके लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। मस्टर्ड में आपको लगता है कि अभी जो हम प्राइस देख पा रहे हैं वायदा बाजार में, ये भाव शॉर्ट के लिहाज से ठीक भाव है? जी मृत्युंजय जी, काफी रैली ओवर स्ट्रेच हुई थी, क्रशिंग डिमांड काफी बढ़िया था, सप्लाई साइड यहाँ पे टाइट था, और जो मील एक्सपोर्ट्स था वो खासकर मस्टर्ड में अच्छा था, बाकी में तो इतने अच्छे नहीं थे, निगेटिव में था, लेकिन मस्टर्ड का मील एक्सपोर्ट काफी बढ़िया रहा है। तो मेरे ख्याल से अब जिस तरीके से यहाँ पे नेफेड स्टॉक्स को रिलीज कर रही है उससे एक प्रेशर बनता हुआ हम देख रहे हैं, और उन्हें भी एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट के बाद एक अच्छा खासा भाव मिल रहा है रिलीज करने के लिए स्टॉक्स को। तो मेरे ख्याल से 4650 पे एक बार सेलिंग करके चलना चाहिए, मुझे लग रहा है एक बार की 4515 तक के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा बड़ी सावधानी से 4720 रुपये का। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 02-2300-1635। इसके अलावा आप 02-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, पहला सवाल संजय का है, हरियाणा से हैं हमारे साथ। नमस्कार संजय जी, पूछिए। नमस्कार सर। सर, ये कॉटन सीड ऑयल के में हाजिर भाव में क्या करना चाहिए सर, खरीदारी करें या बिकवाली करके चलें? कॉटन सीड ऑयल केक में स्पॉट में आप जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। वंदना जी बताइए, क्या लगता है फ्यूचर आपको अभी कॉटन सीड ऑयल केक का? जी मृत्युंजय जी, जैसा मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो अभी वीक है, थाईलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम से मेजरली यहाँ पे आते हैं जो डिमांड वो अभी नहीं आ रहे हैं, और 20% जो एक्सपोर्ट्स है वो यहाँ पे लोअर साइड है। तो सर थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा, और मुझे लग रहा है कि कॉटन ऑयल सीड की बात करूँ मैं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का, तो मुझे लग रहा है कि एक बार 20,080 तक के 2080 का जो मतलब 2080 का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप लोअर साइड में अभी बने रहिए, और मुझे लग रहा है कि 2050-2060 के बीच में एक कंसोलिडेशन इसको देखना चाहिए इस कमोडिटी को। तो फिलहाल सेलिंग में रहें, 2050-2060 का जो टारगेट है उसको लेके चले। अगर आप सेलिंग इनिशिएट करते हैं तो उसके लिए स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाना होगा 2150 रुपये। ठीक है, अगला सवाल है अंसारी का, अहमदाबाद से हैं हमारे साथ। पूछिए अंसारी। सर, मुझे गोल्ड में लॉन्ग टाइम के लिए क्या करना चाहिए? गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए आप जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। वंदना जी बताइए, लंबे समय के लिए गोल्ड में क्या किया जाए? जी मृत्युंजय जी, ये काफी अच्छा सवाल है, और जिस तरीके से अल्ट्रा लूज मनी है, स्टिमुलस आ रहे हैं, अभी भी बात हो रही है, फिच ने भी कहा है कि और स्टिमुलस अभी आ सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट मेरे हिसाब से 2-3 साल तक तो यहाँ पे इंक्रीज होगा नहीं, और साथ में काफी टेंशन यहाँ पे ऑलरेडी हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन भी ऑलरेडी हैं, तो जितनी हम कहते हैं कि रेसिपी है वो तैयार है यहाँ पे इन फेवर ऑफ गोल्ड। तो सर आपको यहाँ पे गोल्ड में चाहे आप बॉन्ड भी ले सकते हैं, यहाँ पे ETF ले सकते हैं, बहुत सारा जरिया है यहाँ पे खरीदने के लिए। अगर 2 साल के लिहाजे से भी अगर हम गोल्ड को टारगेट करें तो मुझे नहीं लग रहा है कि 55,000 कोई बहुत दूर का टारगेट होगा गोल्ड प्राइसेस के लिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर 2-3 साल का नजरिया किसी का यहाँ पे है गोल्ड के लिए तो आप बेहिचक यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको 47,500 या 47,200 का लेवल मिले तो वो एक अच्छा बाइंग लेवल आपके लिए रहेगा। ओके, अगला सवाल अशोक का है, गंगानगर से। पूछिए अशोक। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए अशोक जी। सर मेरा सवाल है जी, ये ग्वार और चना ऊपर और नीचे कितना जाएगा जी? ग्वार का आउटलुक आप जानना चाहते हैं, काफी वोलेटाइल कमोडिटी है ग्वार। वंदना जी बताइए, क्या लगता है आपको ग्वार का भाव आगे? मुझे लग रहा है कि इसमें जो अपसाइड रहेगा वो थोड़ा लिमिटेड रहेगा। इन्होंने ग्वारगम के बारे में अगर पूछा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 5200 तक का जो एक सपोर्ट है वो यहाँ पे हो सकता है। अपसाइड मुझे लग रहा है कि अगर ईयर एंड थोड़ा सा विंटर सीजन अप्रोचिंग होगा, जब रिग काउंट्स भी बढ़ेंगे और थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से उस समय वहाँ पे 65 से 6700 तक के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 7000 तक भी वहाँ पे आ सकता है जब एक बार रैली स्टार्ट होगी। उन्होंने चना के बारे में पूछा है, चना मृत्युंजय जी मुझे लग रहा है कि चना
में लिमिटेड यहाँ पे डाउन साइड होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे पैदावार बढ़िया है, फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि 4000 से नीचे चना का भाव यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। इससे नीचे आएगा तो खरीदारी बढ़ेगी, और मुझे लग रहा है कि मॉनसून या फेस्टिवल सीजन के स्टार्ट होते ही, जो कि इस बार इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, फिर भी मुझे लग रहा है कि ऊपर की साइड एक बार 4450 तक के प्राइसेस जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, मनोज हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त कानपुर से, पूछिए मनोज जी। हाँ सर, मैंने 48 और 250 में सिल्वर सेल की है, तो इंट्राडे में हिसाब से तो क्या लग रहा है? अच्छा, 48 250 पर आपने चांदी में बिकवाली की है इंट्राडे के लिए। वंदना जी, क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? मुझे लग रहा है कि इन्हें एक बार पोजीशन को एग्जिट करना होगा। अगर 48,350-375 भी सर आपको मिलता है तो एक बार निकलिए, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक निचले स्तर से जो है वो खरीदारी आ रही है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बाउंस बैक दोबारा से आया है। तो मेरे ख्याल से अगर 48,350 तक के जो भाव आपको मिलते हैं तो एक बार आप एग्जिट कर सकते हो, और हो सकता है कि कॉमिक्स स्टार्ट हो उससे पहले आपको एक बार एक लोअर साइड जो है वो देखने को मिले। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए कि आपको अभी इसमें करना क्या है। नेचुरल गैस में ताजा भाव पर कोई ट्रेड लेना ठीक रहेगा वंदना जी? मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में अगर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं 131 के करीब है मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि एक गैप जो है वो वहाँ फिल होना चाहिए नीचे के साइड, और 128 के करीब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जिन्हें बिकवाली करनी है वो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल, या इंट्राडे वो 2-3 रुपए के लिए यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं, और जो बाइंग का वेट कर रहे हैं उन्हें 128 रुपए 126 रुपए तक का वेट करना चाहिए, वहाँ पे वो बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं, और फर्दर जो अपसाइड टारगेट रहेगा वो 138 का है। ठीक है, प्रवीण है इस वक्त, प्रवीण जुड़ रहे हैं हमारे साथ नोएडा से, पूछिए प्रवीण। हाँ, ये मैंने 3 मेंथा बेच रखी है 1000 की। 1030 पे आपने 3 लॉट मेंथा शॉर्ट किया है, क्या करना ठीक रहेगा अभी वंदना जी मेंथा में? मेंथा में मुझे लग रहा है कि निचले स्तर से बार बार यहाँ पे खरीदारी आ रही है मेंथा में, तो मेरे ख्याल से आप सर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 990-980 के लेवल को टारगेट करते हुए। अगर एक से ज्यादा लॉट है आपकी क्योंकि, तो थोड़ा सा प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, और बाकी आप 990-980 को टारगेट करके होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा भी यहाँ पे होल्ड नहीं करना होगा क्योंकि निचले स्तर से बार बार इसमें खरीदारी भी आ रही है। ओके, इस बीच गोपाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजस्थान से, पूछिए गोपाल। हाँ जी सर, नमस्कार सर जी। सोबोरी कुमार राजर में पड़ा है, तो रिक्वेस्ट है ये 5000 रुपये हो सकता है 4-5 महीने। 5000 रुपये हो सकता है क्या, ये आप जानना चाहते हैं। ग्वार, क्या कोई संभावना आपको दिख रही है वंदना जी? मृत्युंजय जी, आपके शो में मैंने बहुत बारी बोला, मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम अपसाइड जो है फिलहाल के जो ट्रेडिंग सेंटिमेंट्स यहाँ पे उसको देखते हुए हम लोग 42-4300 से ऊपर का भाव जो है वो एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं यहाँ पे। जैसे इंडस्ट्री खुलेगी या पोल्ट्री इंडस्ट्री से डिमांड आता है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार प्राइसेस जो है 4200 जा सकते हैं। तो एक कंजर्वेटिव और कह सकते हैं कि टारगेट को लेके हम चले, रियलिस्टिक टारगेट को लेके चले, तो यहाँ पे हमें ट्रेड करने में सहूलियत होगी। तो सर आप 4100-4200 को टारगेट करके इस साल के लिए चल सकते हैं ग्वार सीड को। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।